अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जी, ये आज संडे की मॉर्निंग है और ये देखें कि ऐसा मौसम है, आसमान साफ है, रात की थोड़ी बहुत स्नो हुई हुई है और आमना सबके लिए नाश्ता बना रही है। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे व्लॉग्स बहुत पसंद कर रहे हैं, इसी तरह पसंद करते रहें और सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाते रहें। वी लव यू गाइज सो मच। तो जी, लेट्स सी कि आमना क्या नाश्ता बना के लाती है। आमना, Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। Good morning सो with आमना your का maple syrup. आज ऑफ था, सो नाश्ता इज बाय। आमना, सो दिस इज ये प्योर नहीं है, वो प्योर है. अब अंडे बंडोबल हो गए. ये क्या, जुलाई में अंडे हैं? हम ऐसे खाते हैं, हम इनको कहते हैं क्रिस्पी एग्स. नहीं, दे आर नॉट जलाए हुए, ये तो देखने में ही बहुत यमी लग रहे हैं। एंड क्रिस्पी वॉट इज दिस? क्रिस्पी पैनकेक्स. और ये बाबा ये हल्के मेरा से, नाश्ता, ये मेरा नाश्ता. और ये बाहर बर्फबारी। लोगों को पता है कि बाबा गलोर बीमार हो गए थे, जी मैंने बता दिया, कोई जो बात मेरे लोग. पेट में तो रहती नहीं है। यस सर, तो लेट्स हैव नाश्ता। ये आपकी चाय सो हियर कम्स। थैंक यू मेरे दादी. आप बेटा। क्या बना के लाए हैं? बेटे मुझे थोड़ा गर्मा सा, गर्म चा. बेटे मुझे बिल्कुल थोड़ी सी। अच्छा ठीक. अब मैंने तो पैसे एक कप बना दिए. हमने ये कितना डालना होता है, जितना मर्जी. क्योंकि मैंने तो इतना कभी ये खाया नहीं, पैन केक सिस्टम है मैं ना। आप ए, आप पैन केक खा रही हैं, मैं भाई केक खाता हूँ. सो लेम. पैन केक मैं खा रही हूँ तो भाई पैन केक पता केक. नहीं है, ये तो ऐसे लगता है गाली दे रही है. सही बात है. पैन केक तो जी, यहाँ आकर मुझे को गैस्ट्राइटिस हो गया है और शदीद वॉमिटिंग सी हो रही है। मेरे ख्याल में पानी चेंज हो गया है, जगह चेंज हुई है या कुछ ऐसा खा लिया है। बहरहाल, लेकिन ये सुबह का टाइम है और नाश्ते में ये थोड़ा सा सीरियल दिया है हमने, जो कि खाया नहीं है। सलाम तो कर दें। अलैकुम। मुझे कोशिश भाई कर रहा हूँ कि खा लूँ। बुखार तो नहीं है ना? नहीं, बुखार अभी तक तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मेरे ख्याल में हमने तो बाहर से भी कुछ नहीं खाया और वही खाया जो आप लोग खा रहे हो। फिर लेकिन पता नहीं वो क्या कोई हुआ। मतलब कोई ऐसी चीज़, कुछ ऐसा हुआ है कि वो सूट नहीं किया. तो बहरहाल, लेट सी जी, ये तो आज हमारा दिन का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ है. लेट सी, अल्लाह करे आप लोग दुआ करें कि सब ठीक रहे, क्योंकि घर से दूर जब आए हुए हों तो फिर सेहत अच्छी रहे तो ही मज़ा आता है. और फिर उसके बाद सेहत खुदा ना खासा ख़राब हो जाए, फिर अनजाने जगह पे अपने वाले भी, अपने लोग भी बेचारे तंग होते हैं। नहीं, तंग नहीं होते. खैर, आपके तो सारे बच्चे डॉक्टर्स हैं, डोंट वरी अबाउट दैट. लेकिन इम्पोर्टेंट थिंग इज़ के इंसान ठीक रहे. हाँ ये तो है। ओके, चले जी, आपको मैं अपडेट देती रहूँगी. सो फिलहाल बाय बाय, मिलें. बिस्मिल्लाह। नहीं नहीं गर्म पानी है, बहुत गर्म है. ओके। वैसे एक बात है, ये हल्दी वल्दी मुझे नहीं सूट करती. क्यों? मैंने एक दफा पी थी, मेरे मैदे में जलन शुरू हो गई थी. इसका वो होता है एसिडिक असर। चलिए जी फिर, बिस्मिल्लाह, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखें जी क्या है। बड़ी तेज स्मेल है. क्या क्या है इसमें? अदरक और ऑर्गेनिक जिंजर टर्मेरिक चले और हर्बल टी, बस दैट्स इट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लो जी, देखते हैं क्या बनता है. फिलहाल तो ये पीला पीला सा पानी सा बन गया है. हाँ वो हल्दी है ना, तो ये हल्दी तो अंजुम हम बड़े आराम से अपने घर में हल्दी और ये जिंजर ये देख, अदरक डालें।
क्या बन गया है। फर्स्ट क्लास चाय बन जाएगी। ये देखें जी, ये है हमारी हर्बल जिंजर टर्मेरिक टी फॉर पठों की दर्द। पठों दर्द के लिए लिखा हुआ है। हाँ जी, फॉर योर हेल्थ। यस, ये तो हम लेके आए थे ना मेथी का। हुँ. क्या नाम था? मेथी खारी। इसकी ओपनिंग की है जी। ओपनिंग सेरेमनी हो रही है जनाब। अभी हमारे पास कैंटीन नहीं ले आएंगे। पहले देखो ये जी कोला डब्बा आपके बाबा जान ने कब्जे में ले लिया। चखे, पहले दिखा दें किस टाइप की है ये। ओके, लुक्स यमी। लुक्स गुड। हाँ, खा के दिखाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, इस सेम थिंग वो जो हमारी तहजीब बेकरी वगैरह पर नहीं मिलती। अच्छा, कैसी है? मजेदार। अंजुम बेबी को सला रही हो? जब लिटाती हूँ तो रोते हैं, मुझे लगता है गोदी की आदत डल गई है। हाँ ये तो है, ये तो है, लेकिन अभी लिटा दो इसको, नहीं रोएगा। स्माइल दे रहे चलो लिटा दो अभी से। बिल्कुल, ये आमना वगैरह के नेबर्स भी हैं, ऑलमोस्ट थोड़ी दूर है, है ना? 5 मिनट दूर। 5 मिनट के डिस्टेंस पे हैं। बहुत ही प्यारी सी बच्ची है सनिया और उनके हस्बैंड रजा। वो लोग ये सिंगापुरियन राइस बना के लाए थे स्पेशली मेरे लिए, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और माशाल्लाह बड़ी अच्छी कुकिंग है उनकी, बहुत ही मजेदार, बहुत यम्मी है, बहुत यम्मी है। तो ये तो पहली बड़ी खबर थी। और दूसरी ग्रेट न्यूज़ ये है कि ये देखिए कौन आया हुआ है। सो साद इज़ हियर। और ये सब खाना डिनर का जो है ना, सारे अपने अपना वो कर रहे हैं। और मैंने तो बताया, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि मैंने गोभी बनाई हुई थी, साथ ये अब राइस हो गए हैं, तो एक अच्छा डिनर होने वाला है। तो ये जी बाबा को आज पेट में दर्द हो गई थी और पेन जो है वो कह रही है कि 4 out of 10 है, जो कि आमना कह रही है कि बहुत ज़्यादा है और मुजीब कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा नहीं है। और हम उसको कंपेयर कर रहे हैं विद द लेबर पेन्स, आई डोंट नो व्हाई। और सामने जूस पड़ा हुआ है, वही जो विदाउट शुगर कल आपको बताया था, कोक ज़ीरो, नॉट गुड। और ये देखिए लेबर्स को ज़्यादा, लेबर को ज़्यादा पेन होती है क्योंकि लेबर जो है सारे दिन ईंटें उठाते हैं, शाम को बहुत थक जाते हैं, ये बहुत पेन होती है। डैड जोक्स मारे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि पेन बेहतर है, बेहतर है। और ये प्यारा सा बच्चा जो इधर उधर फिर रहा है, ये और कोई भी नहीं है, ये साद है खुले पजामे में। मेरा फेवरेट, यस, मुझसे भी ज्यादा पसंद है मामा को ये इंसान। मुझे थोड़ी सी जरूरत है उसको भी, किसी और को भी मौका दें। यार ये बहुत ही मजे का है सनिया, थैंक यू। ये बहुत मजे का वाकई और ये जो आप लोगों को बीच में सबसे ज्यादा यूनिक चीज नजर आएगी ना, ये वो हलवा है जो कभी मेरी नानी बनाया करती थी। वाह जी, ये मेरी, ये मेरे पुरखों ने मुझे सिखाया है। पुरखे क्या होते हैं? साथ में ये चार। तो जी ये छोटे छोटे कपड़े लटकाने का बहुत मजा आता है। यस सर। तो लॉन्ड्री होके आ गई है और हम कपड़ों को संभाल रहे हैं। हम तो नहीं, आमना ही संभाल रही है, मैं तो शावर लेके आई हूँ।
ये क्या टॉप है सारे यार, लैक्टेशन कुकीज दिखाना। वाओ एंड दे आर सो कलरफुल। ये मैंने ना ऑनलाइन काफी रिसर्च कर करके देखा था कि मतलब यू नो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए क्या खाना चाहिए, तो उसमें एक था लैक्टेशन कुकीज। यहाँ पे एक बहुत मशहूर ब्रांड है काई मेड, तो वो जो है ना मेरे ख्याल में किसी औरत ने स्टार्ट किया था, हवाई में होती है वो, और वो घर पे बनाती है ये मिक्सेस। और ये बिल्कुल फ्रेश बना के लाई हो? अभी फ्रेश बना के लाई यार, लेकिन ये तो लैक्टेटिंग मदर्स के लिए तो हमारा, हम नहीं खा सकते? खा सकते हैं जरूर। ओह लैक्टेटिंग मदर्स के लिए इसलिए क्योंकि इसमें ओट मील और बटर और शुगर जो कि मुझे अभी जरूरत नहीं है, लेकिन है भी फॉर हिम। फॉर हिम तो बड़ी भाई बड़ी गहरी। अब मैं ट्राई करने लगी हूँ ये कि कैसी है, बल्कि अभी ट्राई करके दिखा देती हूँ। अच्छी होगी ऑब्वियसली सारी चीजें अंदर इतनी। कैसी है? बहुत मजे की। क्या फ्लेवर है? ये है कन्फेटी विद चॉकलेट चिप्स। ओके तो ये एक मैं कल काम पे लेके जाऊंगी, बाकी आप लोग खा लेना। ठीक है तो हम ना इसी नोट पे हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी कल के व्लॉग में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टर्न ऑन द बेल ताकि मामा जब भी अपलोड करें व्लॉग तो आप लोगों को पता लग जाए। और दुआओं में याद रखें और टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लव इज़